हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना से जुड़ रहे देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत के वो किसान जो अपनी पूरी जिंदगी आसमान की तरफ टकटकी लगाते हुए बिता देते हैं, उनके लिए इस बार कुदरत अच्छी खबर लेकर आई। और अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि इस बार मानसून वक्त पर देश में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून को मानसून केरल पहुंच जाएगा। देखिए, इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो नहीं सकती। बंगाल की खाड़ी में इस वक्त मानसून के आगे बढ़ने के लिए तमाम परिस्थितियां अनुकूल है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मानसून अगले महीने के आखिरी तक दिल्ली को भी पार कर जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 30 जून को दिल्ली में मानसून की दस्तक हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी अंडमान निकोबार में मानसून सक्रिय है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस देश में कहा जाता है कि असली वित्त मंत्री अगर कोई है तो वो मानसून ही है, और अगर मानसून वक्त पर आ जाए तो आधी से ज्यादा मुसीबत इस देश की खत्म हो जाती है। तो आपके लिए विशेष तौर पर हमने एक मैप तैयार करवाया जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि मानसून कब कहां दस्तक देने वाला है। तो ये मैप आप देखिए और समझिए। जैसा कि आप जानते हैं, शुरुआत केरल से ही होती है। तो अब आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरीके से मानसून आगे आगे पहुंचेगा। अंडमान निकोबार में ये सक्रिय है, 1 जून को ये केरल पहुंच जाएगा, फिर 5 जून को ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य पहुंच जाएगा। 5 जून को कर्नाटक, केरल होते हुए ये फिर आगे बढ़ेगा और पूर्वोत्तर की तरफ जाएगा। 10 जून को ये महाराष्ट्र, तेलंगाना होते हुए फिर उड़ीसा और बिहार पहुंचेगा। इसके अलावा 15 जून को गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार होते हुए पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ेगा। और 20 जून को देखिए, 20 जून को गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होता हुआ ये हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया कि अभी अंडमान में सक्रिय है ये मानसून, और फिर 25 जून को आखिरी जो सक्रियता आएगी वो गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी होते हुए कश्मीर तक जाएगा, और 30 जून को गुजरात, राजस्थान, पंजाब होते हुए पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाएगा। तो हमने आपको मौसम विभाग का आकलन दिखाया है किस तरह से मानसून अभी अंडमान में सक्रिय है, और फिर 1 जून को केरल होते हुए कैसे पूर्वोत्तर की तरफ जाएगा, 5 जून को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए बिहार की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो हरी लाइन आप देख रहे थे, ये अभी मानसून की सक्रियता थी। धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा और आपके शहर, आपके गांव, आपके इलाके में भी कुछ इस तरह से आ जाएगा। उम्मीद है कि वक्त में ही आएगा। मानसून पर भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। 30-31 ये पीरियड में वेस्टर्ली जो करंट, ये काफ़ी स्ट्रांग होता आएगा, एवं ये अपर एयर में जो मानसून के लिए एस्टेब्लिश होना चाहिए ये भी शायद एस्टेब्लिश हो जाएगा। साथ साथ में केरल में जो स्टेशंस में 60% और मोर स्टेशन 2.5 मिलीमीटर और उससे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड करना चाहिए, वो भी होने का संभावना है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड कि ये जो कम दाब क्षेत्र बनने जा रहा है, इसके साथ साथ मानसून केरल में अराउंड 1 जून दस्तक देने का संभावना है।